हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर हो रहा था पेंट ये वाले टेक्सचर को। एक्चुअली ये वाला टेक्सचर काफ़ी दिनों से बना के रखा था उन्होंने, बट पेंट लगाना बाकी था, मतलब कलरिंग होना बाकी था उसका। तो इसी वजह से ना अभी ये कलर हो रहा है। तो ये कलर ना एक्चुअली मुझे काफ़ी देर से देख रही थी मैं, बट ये कलर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। पता नहीं, हम लोग ना पहले से ये कलर लेके आए थे, काफ़ी सारा कलर था ये, तो कंफ्यूज हो गई थी मैं कि ये कलर लगाओ ये दूसरा। तो मैंने फिर दूसरा सिलेक्ट किया, ये कलर मैंने रहने दिया। आधी वॉल हो गई थी, उसके बाद मैंने वो कलर कैंसिल किया। फिर ना यहाँ पर मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मेरे कुछ पार्सल आया है, तो वो ओपन हुआ था, तो उसमें से ये जो झूमर है वो ओपन कर रही है हमारे इलेक्ट्रिशियन, और वो झूमर लगा देंगे आज। तो बहुत सुंदर झूमर है, इसका वीडियो आपके लिए जल्दी ही आने वाला है, जो कुछ मैंने परचेज़ किया था दिवाली के लिए। बट सॉरी डियर, आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा दिवाली से पहले आना था, बट दिवाली के बाद आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब इतने सारे काम थे और उसमें ये वाले वीडियो शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाया। इस वजह से मैंने जो भी मंगाया था वो सारा डेकोरेट कर लिया दिवाली के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ बाद में ये शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप भी सोच सकते हो कि इतना सारा काम था और दिन कम थे, तो इसी वजह से दिवाली में कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। जो कुछ भी मैंने लिया था, बहुत सारा सोच के रखा था एक्चुअली मैंने कि ये आपके साथ शेयर करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा ऑर्डर भी कर दिया था, बहुत सारे ऑनलाइन परचेस किए थे होम डेकोर के लिए, बट होम डेकोर का हॉल आपके लिए शेयर नहीं कर पाए। पिछले साल दिवाली से पहले ऑर्डर हो गया था और दिवाली से पहले मुझे मिल भी गया था। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे अभी भी नहीं मिली है यार होम डेकोर की। जो चीज़ें मुझे बाद में मिलेगी ना, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, बट जो भी अभी मिला है मुझे, तो वो आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं। तो ये है वो झूमर जो मुझे मिला था, तो ये झूमर बहुत सुंदर लगा मुझे, मतलब क्वालिटी वाइज भी और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, और मेरे हॉल की थीम से भी मैच हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर लगा। इलेक्ट्रिशियन ने हमारे लगा भी दिया था, लगाने के बाद जो फाइनल लुक है वो आपको जल्दी से दिखा दूंगी मैं। एक्चुअली मैं हूँ ससुराल में, इसी वजह से ये जो बैकग्राउंड वाइज आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो ये कुत्ते के भौंकने की या गाय भैंस की, तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर होती है यार। मतलब यहाँ पर ना इतना शोर शराबा होता है सुबह सुबह कि वीडियो एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिविंग रूम का जो लाइटिंग है वो लग रही है, और ये जो CNC है इसमें लाइटिंग लगेगी, बहुत सुंदर लग रही है ये। आप देख सकते हो अभी लाइटिंग लगने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रहा है लिविंग रूम। एक्चुअली जो भी लुक है ना ये क्या बोलते हैं POP का, फॉल सीलिंग का, तो वो लाइटिंग की वजह से ही आता है। तो लाइटिंग लगने के बाद ही रियल लुक उसका पता चलता है, तो इसी वजह से आपको लाइटिंग लगने के बाद मैं दिखा दूँगी। तो इस तरह से CNC में ये वार्म लाइट लगाया है, लाइटिंग लगाई है एक्चुअली, तो वो आपको दिख ही रही है किस तरह से दिखेगी। तो बाद में आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी, जब ये वाली भी CNC लग जाएगी ना, तो आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी कि किस तरह से ये लग रहा है, और उसके बाद झूमर भी लग जाएगा, तो आप देख लेना उसके बाद। और ये ना जो टेक्सचर वॉल का, तो ये भी कलर चेंज होने वाला है यार, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे ये वाला वॉल का टेक्सचर। मतलब टेक्सचर तो पसंद आया है, बट कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया है, तो मैं चेंज करने के लिए बोल रही हूँ उन्हें। तो आपको मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये कलर है। तो ये जो कलर है ना, हम लोग जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वो जीने वाली वॉल है ना, उस पर लगाया है ये वाला कलर, और नीचे वाली वॉल का कलर चेंज करना है, तो ये वाली वॉल का कलर चेंज होगा। हाफ वॉल हो गई यार, फिर चेंज करने के लिए मैंने बोला। एक्चुअली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी मेहनत उनकी वेस्ट गई, बट क्या कर सकते हैं, और दिवाली आ गए है ना, तो मेहनत वेस्ट जा रही है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जल्दी जल्दी काम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये झूमर निकाल के रखा है उन्होंने, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, और वो वाली CNC तो बाकी है, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं और पेंटर काम कर रहे हैं। POP का तो काम हो गया है, लेकिन POP वाले भैया को बुलाया था हम लोगों ने CNC लगाने के लिए, क्योंकि वो जो गाला है ना थोड़ा सा छोटा काटा था, तो उन्होंने CNC फिर अच्छे से लगा दी, उनको ही वो अच्छे से लगाना आएगा। तो यहाँ पर मंदिर के लाइट्स भी लग गए हैं, तो आप मंदिर के लाइट्स लगने के बाद देख सकते हो मंदिर का लुक। मेरी तरह आप भी वेट कर रहे होगे इस चीज़ का, तो आप देख लीजिए अभी मंदिर के लाइट्स लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। सबसे ज़्यादा मुझे ना मंदिर ही पसंद आया है यार, मैं बहुत खुश हो गई हूँ मंदिर को देख के।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये कुछ दो लाइट्स ना स्पॉटलाइट लगाया है, ऊपर एक स्पॉटलाइट लगाया है बड़ा सा, और ये एक्रेलिक कटिंग में लगाया है, मतलब वो जो लाइटिंग लगती है वो लगाई है, तो इसकी वजह से इसका लुक ना बहुत ही सुंदर आ रहा है। मैंने बोला था ना कि आपको लाइट्स लगने के बाद बहुत ही सुंदर हो जाएगा मंदिर, तो बहुत ज़्यादा सुंदर बन गया है ये वाला मंदिर, आप देख सकते हो। तो इसकी वजह से ना आपको इसके बाद भी ऊपर एक लाइट लगाना बाकी है, तो वो लाइट लगने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लगेगा। अभी फ़िलहाल मैंने इस तरह से सजाया है अपने मंदिर को, अभी दिवाली की फिर पूजा होगी तब जाके आपको पता चलेगा। दिवाली के दिन तो आपको ऊपर का लाइट लगाना बाकी है, दिवाली के दिन आपको पता चलेगा कि इस मंदिर का फाइनल लुक कैसा है। और टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, जो आगे वाले रूम का टेक्सचर बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है। सुबह सुबह का ये शूट किया था मैंने नेक्स्ट डे, तो सुबह सुबह रात भर जाके उन्होंने ये टेक्सचर का पेंट किया था, और ये वाला टेक्सचर का फाइनल लुक इस तरह से निकल के आया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि रात भर हम लोग भी जागे थे, 2-3 बजे तक तो हम ही लोग जागे थे, उसके बाद पेंटर ने तो रात भर काम किया, उसके बाद ये लुक निकल के आया है। और ये जो गाला काट के रखा है ना झूमर का, वो भी लगाना है। झूमर कुछ इस तरह से लग रहा है, झूमर आपको लगा के मैं बाद में दिखा दूँगी, बट झूमर का जो गाला काटा है ना वो जो POP का, तो वो भी उनको फिक्स करना है, उस पर भी पेंट लगाना है। छोटे छोटे काम निकल के आते हैं, वो जो गाला काटा है ऊपर का वो भी उनको फिक्स करना है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें, पेपर वेपर निकालने हैं, इसके पेपर निकालने हैं, ये पॉलिथीन निकालनी है, फर्नीचर की काफ़ी सारे काम बचा है यार, और 2 ही दिन बाकी दिवाली को, और कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे काम बचा है यहाँ पर। ये जो गाला काटा है ना POP का, तो उस पर एक झूमर लगने वाला है, वो झूमर मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। इलेक्ट्रिक का भी काम काफ़ी सारा बाकी है, तो वो इलेक्ट्रिशियन आज भी आने वाला है, तो आज भी इलेक्ट्रिक का काम होगा, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। ये वाले सीलिंग को पेंट भी नहीं लगा है, तो ये वाले सीलिंग को पेंट होगा। उसके बाद किचन में मैं आपको दिखा देती हूँ, किचन भी बहुत ज़्यादा मेसी है। किचन का हाल आप देख लीजिए, किचन में भी बहुत सारा गलाटा है। ये मंदिर में मुझे बाहर निकालना है, उसको भी क्लीन करना है, और यहाँ पर भी मुझे बहुत सारा क्लीन करना है, आप देख सकते हो। फिर मैंने फ्रिज निकाला था क्लीन करने के लिए, मैंने सोचा चलो आज क्लीन फ्रिज तो हो जाएगा कम से कम, तो फ्रिज क्लीन कर लिया था दिवाली से 2 दिन पहले। और उसके बाद मैंने बाकी के काम किए थे, मतलब क्लीनिंग वगैरह बहुत सारी, दिवाली के दिन भी इतनी सारी क्लीनिंग की मैंने कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसे हर साल मेरी दिवाली के पहले 3-4 दिन पहले ही क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, मतलब डेकोरेट भी हो जाता है घर, बट क्या करूँ यार, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, ये काम की वजह से, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा काम लेट हो गया, लेट भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब पेंटर ने तो रात दिन एक करके बेचारों ने काम किया, बट हमारा काम ही इतना था कि आपको क्या बताओ। यहाँ पर मलाई काफ़ी सारी जमा हो गई थी, मतलब इतने दिनों से मैंने घी ही नहीं निकाला था काम के चक्कर में, तो अभी मैंने सोचा चलो मुझे दिवाली के लिए घी लगेगा, इसीलिए मैंने घी निकाल दिया इसका। काफ़ी सारी, मतलब आप देख सकते हो पतीला कितना बड़ा है, इतनी सारी मलाई जमा हो गई थी, और इतनी सारी मलाई का मैंने मक्खन निकाल लिया, उसके बाद मैंने ये घी निकाला था, तो बहुत सारा घी निकला है, मतलब 1 kg के आसपास तो घी निकल ही गया है इसका। 1 kg के आसपास क्या, 1 kg ही घी निकला है इसका, काफ़ी सारा घी निकल गया है। और उसके बाद मुझे कर्टन्स वगैरह भी वॉश करने थे, कर्टन्स भी, बेडशीट भी वॉश करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी यार, और टाइम बहुत कम था। रात दिन एक करके हमने सारी चीज़ें की। यहाँ पर मैंने जो अपने सोफ़े के ऊपर का जो कवर नहीं रहता है वो वॉश करने के लिए डाला है, उसके बाद ये जो कर्टन्स है वो उसको बांध के दे रहे थे। एक्चुअली इस तरह से अगर बांधते नहीं है ना तो ये पूरी रिंग्स निकालनी पड़ती है, उसके बाद उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, और रिंग निकालने के बाद ना उसको वॉश करना पड़ता है, तो रिंग निकालो, उसके बाद रिंग्स लगाओ, और फिर और उसमें कुछ टूट भी जाती है ना, इस तरह से इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से अगर बांधते हो ना तो जल्दी से आपके पर्दे वॉश होते हैं, और रिंग्स वगैरह निकालने में टाइम भी नहीं जाता है, बहुत जल्दी वॉश होते हैं और टाइम भी सेव होता है, और रिंग भी नहीं टूटती है, तो इसी वजह से ना हम लोग ऐसे ही अभी बांध के कर रहे हैं। और एक्चुअली मैंने पिछली बार रिंग्स वगैरह निकाल के आपको दिखाए थे, तो आप लोगों में से ही किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि इस तरह से आप करोगे तो आपके जल्दी होगा, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही कर रही हूँ अभी। और आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ पर सोयाबीन बड़ी हो रही है, और इधर ये सुबह की दाल पालक भी बची थी थोड़ी सी, तो वो भी हम लोग थोड़ी सी गर्म करके खा लेंगे, और यहाँ पर मतलब चावल के साथ,
और यहाँ पर मेरा घी भी बन रहा है। घी बनने को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यार, घी बनाने में बहुत ही टाइम निकल गया था। तो यहाँ पर मैंने भी सिम पे रख दिया था ना, तो बहुत सारा टाइम उसमें निकल गया था। एक्चुअली मेरे बाकी के काम भी हो रहे थे ना, तो इसी वजह से मैंने ये सिम पर रख दिया था। और ये थोड़ा सा पतीला ना, ये जो पतीला है वो अपना राइस कुकर का है, तो ये पतीला थोड़ा सा पतला है, तो इसीलिए मैंने ना सिम करके रखा था, तो इसी वजह से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और इधर ये पूरा हम लोग क्लीन कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर ना हमें वो लगाना है, मतलब सोफ़ा वगैरह लगाना है यहाँ पे हमें, तो सोफ़ा बाहर से लाना है, सोफ़ा पहले क्लीन करना है बाहर से, बाहर ही सोफ़ा क्लीन करना है, उसके बाद सोफ़ा लाना है अंदर। और इनके हाथ देखो, पुट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इन्होंने थोड़ा सा वो पोरे वोरे भरे थे, तो इसकी वजह से इनके हाथ पूरे गंदे हो गए थे। और पूरा जो क्या बोलते हैं वाइट सीमेंट इन्होंने निकाला था फिर उसका वैक्यूम क्लीनर से, तो यहाँ पर वो जो पेंटर भैया है वो पूरा काम कर रहे हैं अपना इसका, इस वॉल का। तो ये वॉल कुछ इस तरह से दिख रही है, फाइनल लुक आपको बाद में देखने के लिए मिल जाएगा इसका, जब ये कंप्लीट होगी वॉल। उसके बाद वो वाली वॉल तो आपने देख ही ली है लिविंग रूम की, और सीढ़ियाँ देख लीजिए आप, सीढ़ियाँ भी क्लीन की थी, बट कितने बार क्लीन करो यार, काम तो चल रहा है ना, तो काम में सीढ़ियाँ गंदी ही हो रही है। और यहाँ पर टीवी यूनिट का भी, मतलब वो जो स्पॉटलाइट्स है वो लगाना बाकी है, तो आज इलेक्ट्रिशियन भैया आएंगे तो वो भी कर देंगे। यहाँ की वॉल कैसी लग रही है, ये वाला टेक्सचर कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो ये भी बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, हम दोनों भी बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। ये वाला झूमर तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो दो मतलब इस वाले ये दो दिन का है व्लॉग, पहले दिन का सुबह का और दूसरे दिन का। तो इस तरह से ये देखो पूरा ये भर जाता है, उसके बाद वो फेंकना पड़ता है, तो वाइट सीमेंट भी वाइट सीमेंट था उसमें। और इस तरह से ये वॉल का टेक्सचर लग रहा है, ये वॉल पे ये जो येलो कलर दिख रहा है इस पर डबल कोट लगाना बाकी है, तो इसी वजह से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। तो ये भैया उसको लगा ही रहे थे पेंट, तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी। और ये जो है लिविंग रूम मेरा, ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर अभी सोफ़ा लगेगा, सोफ़ा क्लीन होगा बाहर, सोफ़ा वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि सोफ़ा ना इतना गंदा हो चुका है बाहर रह रह के कि उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है, तो अभी सोफ़ा क्लीन करना है बाहर ही, उसके बाद सोफ़ा अंदर लाना है। और यहाँ पर ना ये क्रॉकरी यूनिट मैंने क्लीन की थी, तो इसके अंदर जो कंटेनर थे तो वो भी मैंने क्लीन कर लिए थे, उसके अंदर जो ग्रॉसरी थी मैंने डीमार्ट की लाई हुई, तो वो ग्रॉसरी भर के रख रही हूँ। यहाँ पर ये खारी बूंदी है तो ये भर के रख रही हूँ, छोटे छोटे कंटेनर्स हैं मेरे पास ये, तो इस तरह से थोड़े से सजा रही हूँ इसमें क्रॉकरी यूनिट में, तो वही काम थोड़ा थोड़ा मैं हल्का कर रही हूँ। दो ही दिन दिवाली को बचे थे और इतना सारा काम दिख रहा था यार कि बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था, हम दोनों भी इतना टेंशन में आ गए थे कि कैसे होगा इतनी जल्दी, कैसे मतलब हम लोग मैनेज करेंगे सारा कुछ दिवाली से पहले, क्या हमारा सामान सेट होगा या नहीं होगा। बट हम लोगों ने कर लिया यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हमें, बट हम लोगों ने मतलब वो पेंटर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी, और उसके बाद हम लोग भी रात दिन एक करके हम लोगों ने काम किया, उन्होंने भी पेंटर ने रात दिन एक करके काम किया। वो तो हमारे घर पर रह ही गए थे दो चार दिन, और घर पर रह के ही काम कर रहे थे, तो इसी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब रात दिन निकाल के हम लोगों ने काम किया ना, तब जाके हमारा दिवाली तक काम फिनिश हुआ। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लॉग के लिए, बट बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।